नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। माइक्रोसॉफ्ट एक के बाद एक चौके लगाए जा रहा है गाइस, और एक और मजेदार फीचर जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है विंडोज 11 में, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो, और बेल आइकन तो आपको दबाना ही दबाना है। देखो, विंडोज OS में कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है, जब कोई ऐप या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कभी कोई गेम कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में हैंग हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है। और अगर हम उस ऐप को क्लोज बटन का यूज करके क्लोज भी करना चाहें ना, तो क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि क्लोज बटन भी हैंग हो चुका होता है, क्लोज बटन भी काम नहीं कर रहा होता है। ऐसा सबके साथ होता है, रीजन चाहे कुछ भी हो। और उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम विंडोज के एंड टास्क फीचर का यूज लेते हैं। एंड टास्क कैसे यूज लेते हैं, आप में से नहीं पता हो किसी को तो बता देता हूं। जैसे सपोज ये जो एज ब्राउजर की विंडो मेरे सिस्टम में ओपन है, ये स्टक कर गया, मान लीजिए हैंग हो गया, अब मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये मैं किसी भी तरीके से क्लोज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं टास्क मैनेजर में जाऊंगा, एज ब्राउजर को यहां पर ढूंढूंगा कहां पर है ये टास्क, और उस पर राइट क्लिक करूंगा और एंड टास्क कर दूंगा। एंड टास्क करते ही एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जो भी हैंग हो चुका है वो तुरंत क्लोज हो जाता है। एंड टास्क क्या है, एक तरीके का फोर्स क्लोज फीचर है किसी ऐप को क्लोज करने का, जो तुरंत उस ऐप को टर्मिनेट कर देता है और फिर सिस्टम स्टेबल भी होने लगता है। लेकिन अब क्या है, विंडोज 11 में ये फीचर डायरेक्ट टास्क बार में दिया जा रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ऐप मेरे सिस्टम में रन है, और अगर सपोज ये हैंग हो गया या फिर अटक गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस पे राइट क्लिक करेंगे नीचे टास्क बार पे, यहां पर हमें एंड टास्क मिलेगा, और यहां से बिना टास्क मैनेजर पे जाए इस प्रोसेस को हम एंड टास्क कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, नजर आएगा भी कैसे, क्योंकि हिडन फीचर है, पहले हमें इसे ऑन करना होगा फिर यहाँ पे नजर आएगा। ऑन करने के लिए विंडोज 11 के सेटिंग्स में आपको जाना होगा, फिर सिस्टम में आप जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा फॉर डेवलपर्स, ठीक है, इस ऑप्शन में जाएंगे फॉर डेवलपर्स के, यहाँ आपको मिलेगा एंड टास्क, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपके टास्क बार राइट क्लिक मेन्यू में आ जाएगा। अब आप जिस भी ऐप जो आपकी रनिंग कंडीशन में है, जो भी आपने रन कर रखी है, ऐप हो, गेम हो, सॉफ्टवेयर हो, उस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड टास्क मिलेगा, और एंड टास्क पे क्लिक करके आप उसको फोर्स क्लोज कर सकते हैं, तुरंत एक झटके में क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन आपको टास्क बार में दिया जा रहा है, इसको एनेबल करने का मतलब ये नहीं किसी भी विंडो को, किसी भी ऐप को क्लोज करने के बजाय आप एंड टास्क फीचर को यूज लें। विंडोज क्लोज बटन और एंड टास्क दोनों का अपना अपना अलग यूज केस है। अगर आपका सिस्टम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, किसी तरीके का कोई स्टक नहीं है, कोई हैंग नहीं है, आपका क्लोज बटन काम कर रहा है, तो आपको क्लोज बटन ही यूज लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस से किसी टास्क को क्लोज करता है। एंड टास्क का मेन फंक्शन है किसी भी रनिंग टास्क को फोर्सली क्लोज करना और फिर टर्मिनेट कर देना, और इस फीचर का यूज तभी किया जाना चाहिए जब क्लोज बटन काम ना कर रहा हो, आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज क्या है, कई बार टास्क पर काम कर रहे होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, और हम किसी ऐसी एप्लीकेशन को एंड टास्क कर देते हैं जो फोर्सली ऐप को टर्मिनेट तो करती है, साथ में सिस्टम को भी रीस्टार्ट करती है, तो ऐसे में क्या है, आपके वर्क का लॉस हो सकता है और डेटा का लॉस हो सकता है। तो फीचर तो बढ़िया है, इसका यूज आपको कैसे लेना है ये आप ही गए होंगे। आशा करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहें बस वेट टेक। धन्यवाद, जय हिंद।